वैसे तो 10 तारीख को विधानसभा का चुनाव होगा और मैं ऐसा मानता हूं कि ये चुनाव ये कोई हमारे उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। न डॉक्टर क्रांति किरण के भाग्य का फैसला होगा, न महेश जी के भाग्य का फैसला होगा, न बम्बई जी के भाग्य का फैसला होगा और मोदी जी के भाग्य का तो फैसला कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए उनकी भी भाग्य का फैसला नहीं है। ये 10 तारीख का चुनाव कर्नाटक की जनता के भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव है। कर्नाटक के अगले 5 साल हम कर्नाटक को किसके हाथों में सौंपना चाहते हैं, इसका फैसला करने वाला यह चुनाव है। क्योंकि हमने देखा एक और वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो भारत माता की जय कहते हैं, जो 370 हटाने की बात करते और हटाते हैं, जो राम मंदिर का निर्माण करते हैं, जो देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिनको भारत माता की जय कहने वालों से भारत तेरे टुकड़े हो गए हजार कहने वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनके गले मिलने को जाते हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं बजरंग दल के ऊपर हम रोक लगा देंगे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अरे भाई बजरंग दल ने तो भारत माता की जय कहा, उस पर क्यों रोक लगाते हो? बजरंग दल ने तो जय श्री राम कहा। अगर इस देश के अंदर कोई पार्टी ये मानती है कि भारत माता की जय कहना और जय श्री राम कहना ये गुनाह है, तो ऐसा गुनाह हम बार बार करेंगे, हर बार करेंगे, कोई हम पर रोक नहीं लगा सकता, किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि भारत में जय श्री राम कहने पर और भारत माता की जय कहने पर कोई हम पर रोक लगाए। इसलिए ये सवाल बिल्कुल हमारे सामने है कि हम किसके साथ जाना चाहते हैं, किसके हाथ में अपनी कमान सौंपना चाहते हैं।